लिब्रा जी, मीजानी अफराद। हाँ जी, अब मैं लिब्रा की तरफ आता हूँ जी। और लिब्रा जो है वो अपनी ख्वाहिश उनकी पूरी हो रही है, और ये अक्टूबर का जो दूसरा हफ्ता है इसमें कोई उनका मकसद अपना मकसद हासिल कर रहे हैं। और आप कुछ लोगों का आपसे तलक बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा तलक बनने वाला है जो आप उस तलक के बारे में गौर करें। लेकिन इसमें एक मुझे अजीब बात नज़र आती है, पूरा हफ्ता आप एक शख्स पर ज़रूर ज़्यादा तकिए किए हुए हैं। मैं आई रिपीट, आप एक शख्स पर ज़रूर से ज़्यादा तकिए किए हुए हैं। सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना गलत बात है, कोई अंडा टूट ना जाए। तो जनाब मिजानी अफराद, आप इसके बारे में सोचिए कि आप एक शख्स पर इतना इत्मीनान क्यों कर बैठे हैं, और 5-6 महीने पहले आप धोखा खा चुके हैं, अब फिर दोबारा खाएंगे, तो बी केयरफुल। स्कॉर्पियो जी, अकरबी आजाद। अकरब के साथ आता हूँ, और अकरब जी आपके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो आपके हम ख्याल होंगे। आपके हम ख्याल लोगों के साथ जो तलक बनेगा, आप अपना एक दूसरे के साथ मशावरत कर सकेंगे, एतमाद पैदा होगा, और मशावरत करने से आपके कह मामला के हल करने में आपको मदद मिलेगी। रोमानवी तौर पर आप बहुत एक्टिव हो रहे हैं, इतनी एक्टिव हो रहे हैं कि आप कहेंगे कि ये रोमांस जो है ये जादू है। ऐसे लगेगा जैसे या आपने जादू कर दिया है। आपका रोमानवी साथी पुकार उठेगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, या वो आप पुकार उठेंगे कि भाई मैं ऐसा लगता है मेरे पर जादू हो गया, ठीक हो गया। तो आप ऐसा करें, जादू के से निकले और इत्तेदाल में आए। सेजिटेरियस, उसके बाद सेजिटेरियस तरफ आते हैं जी। आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है, वाह। और अतारे जब मुस्तकीम हो जाएगा उसके बाद मजीद आपके ये माली फवायद आपको हासिल होते नजर आते हैं। रकमा, तो आपको माली सूरत हाल मुबारक हो, बेहतरी आ रही है। और दूसरा ये है कि आपका कुछ दोस्त आ रहा है आपकी जिंदगी में, लेकिन अजीब बात यह है कि वो आप किसी को बताना नहीं चाहेंगे। आप इसको सीगे राज में रखेंगे इस दोस्ती को, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन बहरहाल आप इसे राज ही रखें। ये लिखा हुआ है, प्लैनेट यही कह रहे हैं, मैंने फिर लिख दिया है। और आप अपनी दोस्ती को निभाएं, तलकात आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। 2 अक्टूबर के बाद आप अपने कैरियर के मामले में और बड़े पुरसकून हो जाएंगे, और बड़े पुरसकून होकर आप कैरियर के मामला को सुलझाएंगे। आप में बड़ी सिर्फ ये है कि लोग एक ही आदमी से मुख्तलिफ मिजाज के लोगों से हर कोई निभा नहीं सकता, आप निभा सकते हैं, लेकिन आप में ये खूबी है कि आप मुख्तलिफ मिजाज के लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आ जाए जी, अब आगे कैप्रिकॉर्न जदी। हाँ जी, तो आपको अल्लाह ताला ये मुबारक हो, आपके ये जो सिफ्त है। अब आते हैं हम जदी कैप्रिकॉर्न की तरफ। जदी हजरात, आपके जिंदगी में जो तब्दीली आ रही है, आपको जल्दबाजी है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक साथ और सितारा आया हुआ है आपके 10वें खाने में, सूरज है। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि आप हर एक की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप मसले को सुलझाएं। आप खुद भी इस मूड में आए हुए हैं कि मेरी जिंदगी जो है आगे बढ़ने वाली है, और आप में कुछ एतमाद सा पैदा हो रहा है, और कुछ कोई आपको किसी दोस्त से मुतारफ कराया जाएगा, कोई शख्स आपके ज़िंदगी में मुतारफ कराया जाएगा, वो बहुत ही असर रसूख वाला इंसान है, वो आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। आप पुराने जितने भी हालात हैं, मंसूबे हैं, आप उकताए हुए हैं, आप बनाए हुए हैं, उकताए हुए हैं कि मैं क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं। तो जाहिर है आप इस सिलसिले में बेताबी से, बेचैनी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका रोमानवी तौर पर जो नौजवान कैप्रिकॉर्न है उनका रोमांस में गहराई आ रही है मजीद। वी विश यू बेस्ट। आए जी एक्वेरियस पे आ जाएं आप। हाँ भाई, एक्वेरियस की तरफ मैं आ रहा हूँ जी। तो एक्वेरियस हजरात, इस हफ्ते आपको सेहत के बारे में बड़ा ख्याल होगा, आपको सेहत के बारे, यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। और पिछले 2 हफ्तों में आप कॉन्शियस नहीं थे, सेहत आपकी खराब हुई है। अब आप इस सिलसिले में जो आप कार्रवाई करेंगे, जो तदाबीर सोचेंगे, जो सही आपको लगेगा नुस्खा मिल रहा है, अल्लाह करे आपको सेहत बहाल हो जाए, और आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे इस
तवज्जो देंगे सेहत को। उसके बाद आप जो ये 2 अक्टूबर के बाद आपको जी चाहेगा मैं मुकम्मल सुकून हासिल करूं। एक दिन तो आप बाहर निकलेंगे नहीं, यू विल बी हैविंग फुल बेड रिडन, फुल रेस्ट रेस्ट ठीक। और 6 अक्टूबर के बाद आप औलाद के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं, उनकी तालीम के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं और ये सोचेंगे कि तालीम के सिलसिले में और किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक, और ये मसला मुझे हल होता नजर आता है। ठीक हो गया, आप मुतमिन हो जाएंगे औलाद के लिहाज से। और इस सिलसिले में अपने आप पर दबाव न डालें, प्लैनेट के बारे में सोचें, प्लैनेट आपके हक में है, औलाद के हक में। अब आ जाएं आगे जी। उसके बाद आपका ज़हनी इंतशार खत्म होने वाला है जो पिछले 2-3 हफ्ते रहा है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। पाइसेस जी, वी कम टू पाइसेस। बहुत ही हजरत, एंड पाइसेस, पाइसेस क्या कर रहे हैं आप बताएंगे? हाँ जी, पाइसेस जो है वो भी एक प्रेशर से बाहर आ रहे हैं। समाजी तलखात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। होती अफराद आपके किसी दोस्त को किसी रिवार्ड के बयान इनाम के नवाजा गया है, आपके किसी दोस्त को बहुत बड़े इनाम से नवाजा गया है, तो आप सारे दोस्त मिलकर उस दोस्त की इस नवाजने की सूरत हाल के एक तकरीब मुनक़द करेंगे। ठीक हो गया। तो यूं मुझे लगता है कि आप सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक्टिव हैं और इस तरह आपका ये वक्त गुजरता जाएगा। और दूसरा ये है कि जो गड़बड़ रही है पिछले 2-3 हफ्ते में वो 2 अक्टूबर बाद खत्म हो रही है, खत्म होने वाली है। ठीक, अतान मुस्तकीम हो जाएगा और आप आगे कदम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। आप लोगों से मिलें और आप इससे अच्छा फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे। और बहुत शुक्रिया, दुआ ही तल्ले का आपके बढ़ जाएंगे।